लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक करने में जुट गए हैं। ऐसे में पूरे साल चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन इस बार उसकी सीटें कम हुई हैं, इसको लेकर वो समीक्षा में जुट गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रविवार को एनएक्सी भवन में जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत इतना कम कैसे हुआ, आखिर क्या कमी रही कि पूर्व की अपेक्षा नोटा का बटन ज्यादा दबा। आने वाले आगामी चुनाव विधानसभा के हैं, जिसमें सभी की जवाबदेही होगी। जनता के बीच जाइए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कमी रह गई। समीक्षा बैठक में गोरखपुर और पांच बार लोकसभा के सांसद रवि किशन शुक्ला और कमलेश पासवान सहित सभी विधानसभाओं के विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सांसद रवि किशन ने कहा कि सर्वप्रथम महाराज जी ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई एवं आशीर्वाद दिया और हमसे कहा कि आखिर क्यों आपकी जीत का अंतर पिछली बार से कम रहा है, क्या कमी रही इसका मंथन कीजिए और जनता के बीच जाइए और जानिए। वहीं समीक्षा बैठक का सार ये रहा कि पूर्व में जो सीट हमने 3 लाख से ज़्यादा मतों से जीती थी, वो जीत सिमट कर 1 लाख मतों तक कैसे आ गई। रवि किशन ने आगे भी बताया कि बैठक में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, बैठक में क्या कुछ हुआ, सुनिए। उस पर एक सबको बधाई दी पूज्य महाराज जी ने। उसके बाद जहां हमारी कमियां थी, जैसे दलित समाज में हम लोग वहां पर पहुंचे, हरिजन समाज में पहुंचे, पासी समाज में पहुंचे, निषाद समाज में पहुंचे, अपने लोग पहुंचे, वार्ता करें और संपर्क बनाएं। और जो लोग नोटा में, अगर 6-7 हज़ार वोट नोटा में गिरा, तो नोटा वाले क्यों नाराज़ हैं या क्या बात होगी, कैसे उन तक पहुँचे, ये सारी बातें रहें। हमारा लाभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे लाभार्थी योजना उन तक पहुंच रही है, उसके बाद भी वोट क्यों नहीं है, पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा से जीते, इस बार कम क्यों, सब कुछ पा के क्यों नहीं वोट दिए। संविधान का या जो एनजीओ के द्वारा कांग्रेस ने जो फैलाया था 1 लाख रुपया मिलेगा, या संविधान में कहा गया था कि बाबा साहब की मूर्तियां को हटाने का एक झूठ जो लोगों ने कहा था, तो और कि वहां प्रधानमंत्री जी की लगेगी, ऐसे बहुत सारे झूठ जो झूठ का जहर था, उसको जानना जरूरी है कि क्या क्या झूठ आपके गांव में आके एनजीओ के द्वारा या किसी के द्वारा फैलाया गया, 1 लाख रुपए का फॉर्म भराया गया, ये सब झूठ का पर्दाफाश हो और जानना है। और जो लोग अभी बड़ा ही तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हम लोग ये क्या कर दिए, हमने मोदी योगी जी को वोट नहीं किया, हमने भाजपा को वोट नहीं किया, उनको बोले कोई बात नहीं, आप लोग विधान, आपके साथ धोखा हुआ है, विपक्ष आके इस वक्त धोखा किया, लेकिन अगली बार आप लोग सचेत रहें, सजग रहें। मोदी जी झूठ कभी नहीं बोलते, योगी जी झूठ नहीं बोलते, भाजपा ने झूठ नहीं बोला, आपको झूठ में फंसाया गया। अब बैंगलोर में देख लीजिए पेट्रोल और डीजल का रेट कितना बढ़ गया, तो ये झूठ से बचें। अगला चुनाव 2 साल बाद है विधानसभा का, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता सजग रहें और सच को लेके चलें और जानें कि क्या, कौन सी ऐसा जहर फैलाया गया घूम घूम के गांव-गांव में, जो कि ऐसा वोट का प्रतिशत हम लोगों का कम हुआ। हम लोग, ये तो मैं वादा करता हूँ ऑन रिकॉर्ड आपसे, अगली बार वो सारी सीटों को हम लोग जीतेंगे और उस पर काम बहुत लेकिन करना होगा, और उसके लिए हम लोग ज़रूर जाएंगे।